और आप ये देखें कि कल ये जलसा हुआ है उसमें इतनी खौफनाक तकरीरें हुई हैं, तो आपके वजीर आजम से लेके काबीना के एक वजीर भी जो है वो उसने मजम्मत करना क्या एक्नॉलेज तक नहीं किया। अगले 3 महीने में बड़ी खौफनाक सिचुएशन नजर आ रही है पाकिस्तान में। इलेक्शंस को डिले करना जो है ये इस हुकूमत के गले में पड़ जाएगा। कैद में अगर इमरान को कुछ हो गया तो ये माफी है किसी की? कोई, वो उसको खुद मारेगी, उसको खुद जहर देगी ताकि वो पार्टी की हेड बने। इमरान जेल में सेफ है। वेस कटक जो है ना, उसको उतना ही बोलना चाहिए जितना उसका कद है। लेकिन आपको मैं बड़ी खबर देने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मैं हूँ माहविश तबस्सुम। नाज़रीन, बहुत सारी बातें हैं मुबश्शिर साहब जिनके ऊपर आज आपका तज़िया लेना है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सर माइनॉरिटीज़ के हवाले से। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठा रहे हैं कि जो भी हुआ है ईसाइयों की बस्ती में जड़ावाला में, उसके ऊपर हम सबको ही आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन सर आज काजी फ़ैज़ ईसा साहब गए हैं वहाँ पर जड़ावाला, उनकी बस्ती का उन्होंने दौरा किया, कैसे देखते हैं आप इस दौरे को, क्या कहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा है और आपको बताऊं कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में अकलियतों के ऊपर जब भी हमला हुआ है और बार बार हुआ है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन और ऑप्टिक्स जो हैं वो सामने आए हैं। और काजी फ़ैज़ साहब ने आज 3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये बता दिया सबको कि मैं अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, और यानी अब वो बन गए ऑलमोस्ट, क्योंकि बंदयाल साहब वैसे ही अगले महीने जा रहे हैं, तो फ़ैज़ साहब ने बता दिया उन्होंने ये दौरा करके। ऐसी जगह पे कभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं गया आज तक, तो ये जाना जो है ये अकलियतों के साथ इससे ज़्यादा इजहार यकजहती हो नहीं सकता। फिर उनकी जो स्टेटमेंट है वहाँ पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक और पूरा उनकी टीचिंग्स के मुतल्लिक और ये कि वो मुसलमानों के भी पैगम्बर और नबी, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। और इसका मतलब है कि हमारी अकलियत बरादरी जो है वो अक्सर फंसी रहती है अदालतों में, उनके पास जब ब्लैस्मी के झूठे केसेस बने होते हैं और वो लोग उसको, अब जो है इसका मतलब है कि अदलिया जो है वो दे विल होल्ड बोल्ड बाय द हॉर्न्स एंड दे विल नॉट बी स्केयर टू टेक डिसीजंस दैट आर लीगल एंड राइट। तीसरी चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आई है वो ये है कि काजी फ़ैज़ साहब जो है ना वो बिल्कुल आईन और कानून की बात कर रहे हैं और वो उसके मुताबिक फैसले करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊँ ये उमर अता बंदयाल से बहुत डिफरेंट होंगे। उमर अता बंदयाल साहब तो अपने किए हुए फैसले जो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, दैट विल नॉट बी द केस विद काजी फ़ैज़ साहब, आई कैन टेल यू स्ट्रेट वे। जब वो डिसीजन लेंगे तो फिर वो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। तो ये जो जड़ावाला के अंदर आज जो विजिट है इसकी कई डायमेंशंस हैं, तो मैंने आपको उनकी एक बेसिक समरी मैंने आपको उसकी बता दी है। सर पीटीएम का कल जो जलसा हुआ है उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपनी राय दें, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए ऑब्वियसली पीटीएम का जो कल जलसा हुआ है उसकी मैंने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी है और मैंने डिफरेंट स्पीचेस के मैंने जो 2-2, 3-3 मिनट की क्लिप्स है वो देखी है। बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है और ये जो डिसकंटेंटमेंट फैल रही है ये उबल रही है और ये बॉयल कर रही है पाकिस्तान में, और हर एक का लेवल ऑफ डिसकंटेंटमेंट जो है उसकी रीज़न डिफरेंट है। एक तो जैसे कोई सियासी है, किसी का मुआशी है, किसी का अखलाकी है, किसी का कुछ और है, लेकिन कलेक्टिव डिसकंटेंटमेंट जो है इस मुल्क में फैल रही है। और मुझे पहली बारी, मैं बड़ा अल्लाह से डर के कह रहा हूँ, मैं हमेशा मैं ये बात करता था कि पाकिस्तान में सिविल वॉर नहीं हो सकती, एनार्की हो सकती है, सिविल वॉर नहीं हो सकती। लेकिन अब मुझे डर लगना शुरू हो गया कि ये हम किस तरफ को जा रहे हैं, और ये आप लोगों को दबा कर मार कर अंदर डाल के ये चीज़ें इनका हल नहीं है। इनका हल जो है पॉलिटिकल डायलॉग है और वो पॉलिटिकल लोग ही कर सकते हैं। और आप ये देखें कि कल ये जलसा हुआ है उसमें इतनी खौफनाक तकरीरें हुई हैं, तो आपके वजीर आजम से लेके काबीना के एक वजीर भी जो है वो उसने मजम्मत करना क्या एक्नॉलेज तक नहीं किया। ना उनमें इतनी हिम्मत है, ना उनकी इतनी सलाहियत है पूरी काबीना की। ये प्लॉट तो बेच सकते हैं, ये गाने लिख सकते हैं, तस्वीरें पेंट कर सकते हैं,
मुल्क नहीं चला सकते जिस तरह की काबीना आई है, ना ये लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे अगले 3 महीने में बड़ी खौफनाक सिचुएशन नज़र आ रही है पाकिस्तान में। अगर अभी भी लोगों को समझ ना आए तो फिर अल्लाह ही बचा सकता है, और तो कोई हल मुझे तो नज़र नहीं आता। सही बात है सर। तो ये जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने 26 को कन्वेंशन बुलवाया है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आप समझते हैं? बेइंतहा इम्पोर्टेंस है। देखें, अभी तक सबसे पहले बार काउंसिलें जितनी भी थी वो सारी आपस में डिवाइडेड थी, और सारी आपस में यानी एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो कन्वेंशन बुलाया है उसमें तमाम के तमाम बार काउंसिल्स आ रही हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी उसमें आ रही है और वो आके वहाँ खड़े हो जाते हैं उनके साथ, और उनका ये जो मुतालबा है कि इलेक्शंस 90 दिन में हों, इससे पीछे नहीं हट सकते, और जो उनकी रिट खारिज हुई है अब वो रिट दोबारा से आएगी, किसी और फॉर्म में आएगी, किसी और के नाम से आएगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको जो है ना फ्लिक करना, इसको डिफ्यूज करना, इसको टालना, ये करना, क्योंकि वकला बरादरी जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज बरादरी है, और वो जो है उनको अपने राइट्स का भी पता है, उनको कानून का भी पता है, उनको आईन का भी पता है, और हमने पहले भी उनकी मूवमेंट देखी हुई एक दफ़ा इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में। तो ये जो है इलेक्शंस को डिले करना जो है ये इस हुकूमत के गले में पड़ जाएगा, मेरा नहीं। और फिर मुझे लग रहा है कि आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो शाह महमूद ने की, उसके फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो शाह महमूद ने एक्चुअली बड़ी सेंसिबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसको उन्होंने कहा कि खुशाइन बात है कि बाहर के तमाम धड़े जिनमें आपस में डिविजन हैं, दे आर कमिंग टुगेदर एंड दे वांट एन अर्ली इलेक्शन। और आपको जो मैंने 1.5 महीना पहले प्रेडिक्शन दी थी ना, आप अब उसको जहन में रखिएगा और रोज उसको याद करिएगा कि इलेक्शंस के बाद मुझे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलायंस नजर आता है, और ये दोनों मिलकर बना सकते हैं, और ये अब इट्स ऑन द वॉल, इट्स रिटन ऑन द वॉल कि ये दोनों अलायंस बना के हुकूमत बना सकते हैं। अभी लोगों को मेरी बात अजीब लगेगी, मजाक लगेगी, लेकिन सियासतदान जो होता है ना, याद रखना वो अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए वक्त पड़ने पे कुछ भी कर सकता है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट, उसको खारिज उसे काम ना करिएगा। तो सर मैं तो बस ये सोच रही थी कि अब तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ्तार हो गए, तो पीटीआई को लीड तो वही कर रहे थे, तो अब कौन करेगा? क्या आपको लगता है पीटीआई का इशू लीडरशिप नहीं है? पीटीआई का इशू लीडरशिप नहीं है, पीटीआई का इशू डायरेक्शन है। पीटीआई का जो वोट है और उसकी सपोर्ट है ना, वो बड़ी इंटैक्ट है, और मैं आज भी कराची से आ रहा था तो एयरपोर्ट पे मेरी बड़े लोगों से बात हुई, क्रू से बात हुई, कैबिन क्रू से बात हुई, हर एक से मेरी, यानी फिर मेरे साथ और कुछ सेलिब्रिटीज भी थे फ्लाइट में, सबसे मेरी बात हो रही थी। तो मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई का वोटर चुप करके बैठा हुआ है, वो खामोश बैठा हुआ है कि अच्छा इलेक्शन कराओ और तुम्हें बताते हैं कि हम कौन है। तो उस वक्त तो पीटीआई के टिकट पे मैं कहता हूँ खंबे को भी टिकट बकायदा मिला होगा ना, तो वो उसको भी वोट मिल जाएगा। अब वो उसको डिफेंड कर सकता है कि नहीं, बचा सकता है कि नहीं, दैट टाइम विल टेल। बट एक सर्वे आज मैंने देखा, कोई इंटरनेशनल सर्वे था, उन्होंने कहा हुआ कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी जो है वो 200% डाउन हुई है, और वो और पीएमएलएन बिल्कुल एक बराबर हैं, और इस्तकाम पार्टी जो है जहांगीर तरीन की वो 15% पॉपुलैरिटी पे है, और फला फला। तो वो मुझे लगा कि जैसे बकायदा पैसे देकर लिखवाया किसी ने, क्योंकि बेतुका सर्वे था। मैं आपको यहाँ बैठकर अभी बता सकता हूँ कि कल इलेक्शन में मुझे नहीं पता क्या होता है, आज के दिन इस्तकाम पार्टी वालों को खुद नहीं यकीन कि उनको 5 सीटें मिलनी है 15% पॉपुलैरिटी। अगर मैं जहांगीर तरीन या अलीम खान को कहूँ ना कि आपको 5 सीटें मिल रही हैं, तो वो कहेंगे यार झूठ बोल रहा, हमें खुश करने के लिए कोई मतलब है इसका, ऐसी बात कर रहे हैं लोग। ये जितनी क्यादत है इस्तकाम पार्टी की, लोग इनसे खिंच खा के बैठे हुए हैं, इनसे चिढ़ कर बैठे हुए हैं, और इनके पास लीडर ज्यादा हैं, वर्कर 100 भी नहीं है इनके पास, पूरी पार्टी में एक्चुअली 100 वर्कर नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है पीएमएलएन, पीएमएलएन अपने वर्स्ट
पॉपुलैरिटी क्राइसिस से गुजर रही है, वो कैसे इक्विवेलेंट है पीटीआई के, ये इसके लिए मुझे सोना पड़ेगा, ख्वाब देखना पड़ेगा, फिर ख्वाब में शायद वो इक्वली हकीकत नहीं है। तो ये इस तरह के जो सर्वेज हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब कारामत नहीं होंगे। सर आपकी खबरें तो वैसे भी बड़ी सच साबित हो गई है, नवाज साहब वाली भी खबर साबित हो गई है। जो लंदन के सहाफती जराए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी वापसी का जो प्लान है वो मुलतवी कर दिया, यानी बात अब सितंबर से भी आगे जाएगी। सर आप तो हमेशा से यही कहते आ रहे हैं। मैंने तो आपको कहा था नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। वजह क्या है, क्यों नहीं चाह रहे नवाज शरीफ आके एक दिन भी जेल में नहीं गुजारना चाहता, उसको जब तक ये श्योरिटी ना हो कि जी मैं जेल से बाहर होऊंगा और मैं हुक्मरानी करूंगा और मैं हुकूमत में होऊंगा, मुझे वही प्रोटोकॉल मिलेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके पास बहुत पैसा है, वो बड़े आराम से 200 साल लंदन में रह सकता है। लंदन क्या, पेरिस क्या, हांगकांग क्या, न्यूयॉर्क क्या, सारे जगहों पे एक साथ भी खर्चा करके रह सकता है, बहुत पैसा। तो वो कोई इश्यूज नहीं उसके, वो हाइड पार्क में वॉक करता है, वो सेल्फ्रिजेस में नाश्ता करता है, वो अपना स्पेशल उसके कुक्स उसके पास हैं, वो नियारियां और मगज और पाई उसके आते रहते हैं, नली भी उसको मिलती है उसकी फरमाइश पे उसके। ये मसाइल चाहिए तो ये एहतियात करें खाने इस एज में, अच्छे नहीं वो कोई एहतियात नहीं है, एहतियात की वजह से तो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो लेकिन ये है कि वो इस तरह से नहीं आएगा, वो अब मुश्किल नहीं बर्दाश्त कर सकता, दो दिन की भी, चार दिन की भी। जिस दिन उसको यकीन हो गया कि मेरे ऊपर कोई, मुझे गिरफ्तारी नहीं होगी, नवाज शरीफ अगली फ्लाइट से अवाम को लीड करने आ जाएगा। सर मैं वैसे तो आपसे ये बात बार बार पूछ चुकी हूँ लेकिन दोबारा भी पूछ रही हूँ, सर खान साहब के बारे में फिर से ये खबरें आ रही हैं सामने कि जेल में खुदा ना खास्ता उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है, सर इस बात में कोई सच्चाई है? ये तो बात बिल्कुल बकवास है। खान को चार सेल दे दिए गए हैं, एक एक सेल जो उसकी विड्थ है वो 12-12 फुट है, फिर उसका टॉयलेट भी बना दिया गया वहां पे, उसका वॉश बेसिन भी लगा दिया गया, उसको शेविंग किट वगैरह भी प्रोवाइड हो गई है। अच्छा। बल्कि उसने जो किताबें मांगी थी, एक इजरायली फिलोसोफर है उसकी उसने सारी बुक्स मांगी थी, वो सारी बुक्स भी ला के उसको दी उन्होंने, वो सईद बुक डिपो भी आपको बता सकता है कि जहाँ से वो खरीदी गई है किताबें इस्लामाबाद में और फिर वो अटक जेल पहुंचाई गई है। ही इज बींग लुक्ड आफ्टर। और उसका खाना जो है ना, तीन डॉक्टर्स उसके खाने से पहले चेक करते हैं। अच्छा। उनको उनको ज्यादा फिक्र है। मैंने कहा कैद में अगर इमरान को कुछ हो गया तो ये माफी है किसी की? कोई कोई माफी नहीं है। तो ये आपसे ज्यादा वो वहां पे ज्यादा सेफ है, अपने घर में अनसेफ है, जहाँ वो अपना वो है ना क्या कहते हैं जादूगरनी, वो उसको खुद मारेगी, उसको खुद जहर देगी ताकि वो पार्टी की हेड बने। इमरान जेल में सेफ है। सही कह रहे हैं सर, वैसे मैं इस बात से आपकी एग्री करता हूं। सर मेजर आदिल राजा जो है वो एक गैर मुल्की जो लीगल कंपनी है उस साथ मिलकर फंड्स इकट्ठा कर रहे थे इमरान खान साहब का मुकदमा आलमी अदालत में ले जाने के लिए, लेकिन बाद में पता चला ये सब फ्रॉड है। लेकिन पीटीआई वालों को अभी भी लगता है कि वो पाकिस्तान का भला सोचते हैं, आपको क्या लगता है उनको ऐसा क्यों लगता है? वो अपना भला सोचते हैं सिर्फ, किसी और का नहीं। और देखें वो एनजीओ की तरफ से आ गया कि ये हमें को पैसे नहीं दे रहा या कुछ नहीं कर रहा, वो इमरान खान के केस का कह के लोगों से पैसे जमा कर रहा है। इमरान खान की पूरी एक लीगल टीम है, इमरान खान के पास पाकिस्तान के सबसे अच्छे वकील जो हैं वो भी उसके पास हैं, उसके पास और लंदन में जैक गोल्डस्मिथ की टीम है पूरी लॉयर्स की, गोल्डस्मिथ की अपनी है, उनके ताल्लुकात सबको पता है क्या है, और उसके बच्चे उसके घर में है जमायमा के। वो आदिल राजा से कहेगा तुम फंड रेजिंग करो मेरे लिए कि मैंने वकील हायर करने हैं, तो आपको अब समझ नहीं आएगा फ्रॉड। ये बिल्कुल एक फ्रॉड भी नहीं है बल्कि ये एक होता दो नंबर, ये 222 नंबर है आदिल सर परवेज खटक साहब कहते हैं कि इलेक्शंस नहीं होंगे, वो कह रहे हैं कि खान साहब फौज के खिलाफ इनकलाब लाना चाहते थे, मैंने इस बात की मुखालफत की और तहरीक इंसाफ जो है वो 4-5 खेतों में बुरी तरह फंस चुकी है और अगले इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ नजर नहीं आएगी। ये सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, सिवाय दो बातों के, एक ये कि इलेक्शंस नहीं होंगे और दूसरा ये कि तरीके इंसाफ नजर नहीं आएगी। एक तो ये है कि ये जो 26 तारीख को मैं आपको बताऊंगा जब बुकला कन्वेंशन होगा कि वो उस दिन क्या रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो फिर आपको मैं 26 की शाम को बता दूंगा इलेक्शंस टाइम पे होंगे कि नहीं होंगे, फिर ये मैटर करती है सेंसेस या डिलिमिटेशन के नहीं मैटर करती। और दूसरी चीज ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं खत्म कर सकते, आप इंसानों को मार सकते हैं, उनको आप डरा सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो खत्म नहीं होती। परवेज खटक जो है ना उसको उतना ही बोलना चाहिए जितना उसका कद है, उससे ज्यादा उसको अपनी अकल ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए,
जब वो एक दिन पहले तक साथ थे इमरान खान के, तब बिल्कुल डिफरेंट नारे मार रहे थे ये सारे जो हैं, और एक दिन में इधर फुदक के आ गए और अपनी करप्शन। परवेज कटक से कहना मालन जब्बा का भी जवाब दो, तुम अपना जो वहां पे तुमने पैसा खाया, तुमने जो वहां पे वो जो थे रशकई का जो कैंप था, इकोनॉमिक जोन था, उसके ऊपर जो पैसा खाया और बनने दिया, उसका भी जरा जवाब दे दो। नौशहरा में तुम जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होते थे, तब से तुम एक स्कूल बना रहे हो, अभी तक वो रेडी नहीं हुआ और कितने करोड़ उस पर निकल गए हैं, जरा उसका भी जवाब दे दो। तो सिर्फ इमरान खान जवाब देने के लिए, जिन्होंने खाया उनसे भी जवाब पूछने चाहिए। सर इतलात है कि वारी साहब के बेटे को अगवा करके और तशद्दुद की आवाजें मोहसिन साहब को सुना के उनको मजबूर किया जा रहा है पीटीआई छोड़ने के लिए, सर आप समझते हैं ये जायज है? नहीं, बिल्कुल नाजायज है, और मैंने इस पे ट्वीट भी की है, मैंने इससे पहले वीलॉग भी किया है, मेरी मोहसिन लगारी से बात भी हुई है, मेरा मैसेज एक्सचेंज हुआ है, और मैं इसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। अब मोहसिन लगारी 2-3 दिन के बाद वो ऐलान करेगा कि वो पीटीआई छोड़ रहा है, और वो मजम्मत करते हुए, और मेरे ख्याल में इससे बड़ा अलमिया नहीं होगा। एक आदमी नीट पॉलिटिशियन है, क्लीन पॉलिटिशियन है, वो अपने हल्के में पॉपुलर है, उसको आप हरा नहीं सकते। तो आप अपना जो है उसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम एलिजेंस चेंज करो, पता नहीं कौन मजबूर कर रहा है। पहली बात, पंजाब पुलिस गई, क्यों गई, किस तरह से गई, क्या उस पर पंजाब की काबीना के अहकाम थे, फेडरल काबीना के अहकाम थे, क्या था, फिर जिस तरह उसके बेटे को मारा पीटा और जदकूब किया, कोई माँ बाप जो है वो अपनी औलाद की मार तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उसने कह दिया हाँ जी ठीक है, मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो अब वो अपनी कमिटमेंट ऑनर भी कर देगा। लेकिन ये जुल्म है, और हजरत अली ने कहा था कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। सर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि हमारी कोशिश होगी कि वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी का है, आपको लगता है ऐसा होगा, ये कोशिश कामयाब होगी? ये बात की बातें उनसे कहें कि पहले जिस तरह आप ले आए हैं पीपल्स पार्टी का वजीर आजम, उस पर खुशी मनाए, ये भी कोशिश कर रहे थे ना, कभी भी उन्हीं का नामजद आए बंदा, वो नहीं आया ना, उनके नामजद काबीना में 4 लोग आ गए हैं, बहरहाल उस पर अगर वो खुश हो रहे हैं तो उनको मातम करना चाहिए। अभी दिल्ली दूर है, अभी इलेक्शन की जब बातें होंगी तब बात करेंगे उससे क्या सिचुएशन है, क्या पोजिशन है। लेकिन आपको मैं बड़ी खबर देने लगा, और मैंने अपने पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI तीनों के लिए बुरी खबर है। अगले महीने 14 वजीर इनके गिरफ्तार होने वाले हैं, जो PDM के 14 वजीर रह चुके हैं वो करप्शन के इल्जामात पे गिरफ्तार हो रहे हैं, नैब और FIA दोनों मिलकर उनके ऊपर तहकीकात कर रही है। तो खुर्शीद शाह साहब का मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि पता करें कि उनके कौन कौन से वजीर फंस रहे हैं उसमें। ठीक है मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के बयान के लिए।